हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित ब्लॉग। आज मेरे चैलेंज का डे टू है, जिसमें मैं आपके लिए मक्के के आटे की इडली बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 5 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें मैं आपको 5 डेज़ मक्के के आटे की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की रेसिपी बताऊँगी, जो बहुत ही टेस्टी हेल्दी होंगी और बहुत झटपट तैयार होने वाली होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मक्के का आटा, उड़द की 1 से 1.5 चम्मच तक दाल, चने की दाल भी 1 चम्मच, अदरक का थोड़ा सा कद्दूकस करा हुआ, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च 2 डाली हुई है, नमक अपने टेस्ट अनुसार, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, और खाने वाला सोडा, इसकी जगह आप इनो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों डाल दीजिए या फिर राई डाल दीजिए, दही हमने फेंट लिया हुआ है, अच्छे से फिटा हुआ मेरा दही है, ऑयल चाहिए हमें लगभग 3 से 4 स्पून तक हमें भी चाहिए। हमने कढ़ाई को गैस पे रखा और 3 से 4 बड़े स्पून हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने पर हम इसमें सरसों हमारे पास थी, हमने सरसों इसे डाली, लगभग 1 चम्मच हम सरसों डालेंगे। जब सरसों चिटकने लगेगी तब हम इसमें उड़द की दाल डाल देंगे, चने की दाल, इसको भी हम डाल देंगे इस ऑयल में, इसको हम हल्के चलाएंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे हम। इन दोनों दालों को हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हमने अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो और हरी मिर्च, हमने वो पेस्ट इसमें डाल दिया। हरी मिर्च कटी हुई है, उसका पेस्ट नहीं बना हुआ है, अदरक हमने कद्दूकस करके उसका थोड़ा सा पेस्ट ऐसा बना दिया है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये दालें और ये अदरक अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसमें मक्के का आटा डालेंगे, इसको भी हमें चलाते रहना है और हल्का सा भून लेना है। तो गैस, जब तक ये भून रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी देखिए हमारा मक्के का आटा भुन गया है, इसमें हम जो हमने दही फेंट रखा हुआ था वो डालेंगे और इसको मिलाएंगे। पहले हम दही से जितना मिक्स हो पाएगा उसको मिक्स कर लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। ये बैटर हमें थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। हमें बैटर को ऐसा बनाना है ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर में गुत्थियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए अच्छे से स्मूथ हमें इसे बनाना है और अच्छे से फेंटना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा सा बीच में हमें गाढ़ा लगेगा तो हम इसमें डालते रहेंगे। इसमें हम धनिया पत्ती हमने जो काट रखी थी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऊपर से डालेंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हमने ऐसा पेस्ट बना लिया है। ये बैटर मेरा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर ना हो तो इनो का पाउच जो आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और इसको इनो या बेकिंग पाउडर डालने के बाद में बहुत कस के नहीं हिलाना है, हल्के हाथों से इसे पूरे में मिक्स करना है। पूरी तरह से मिक्स करने के बाद
अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे हमारा जो इडली पॉट है उसमें हमने पानी डाल रखा हुआ है, इसको गर्म करने के लिए रखते हैं। पानी लगभग हमने एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है। फ्लेम को तेज़ करके पानी अच्छे से गर्म कर लेंगे। तब तक हम इडली पॉट में जो प्लेट है उसमें हम ऑयल लगा लेंगे। इसमें हमें अपना बैटर डालना है। जब तक हमने ये किया तब तक हमारा बैटर पूरी तरह से हमने जो रेस्ट करने के लिए रख रखा हुआ था वो रेस्ट उसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे इस सांचे में डालेंगे। हमें पूरी तरह से ऊपर फुल नहीं करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ रखनी रोकना है, जैसे हम नॉर्मल इडली डालते हैं वैसे। इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि ये फूलेगी स्पंज आएगा तो उसके लिए स्पेस चाहिए। ऐसे ही हम अपनी पूरी सांचे को भर देंगे। तो गाइस मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा चैलेंज आपको कैसा लगा उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हमारा पानी गर्म हो चुका है और हमने सांचे में इडली का पेस्ट भी डाल रखा हुआ है। अब इसको हमने इडली पॉट में रख दिया। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमारी इडली तैयार हो जाएगी। फ्लेम को हमें तेज़ करना है। तेज फ्लेम में हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारी इडली लगभग तैयार हो गई है। इसको देख चेक करने के लिए हम चाकू को उसमें डालेंगे और देखेंगे कि चाकू में कुछ लगा ना रह जाए। अगर लग के आता है तो हमारी इडली नहीं पकी है, नहीं लगा तो पक गई है। हमारी इडलियाँ पक गई हैं। इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा, अलग रख देंगे और उसके बाद चाकू से इसे धीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी इडली तैयार हो गई है। इसको हम सॉस के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है और कितनी स्पंजी है। तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा ये चैलेंज आपको कैसा लगा है उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।